स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई करते वक्त नींद आना। पढ़ाई करते वक्त नींद आना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और नींद आने की वजह से स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको अपनाकर हम स्टडी के टाइम पर नींद को भगा सकते हैं? अगर आप भी नींद के शिकार हैं और पढ़ाई करते समय नींद आती है और आप जो पढ़ना चाहते हैं उसे सही से पढ़ नहीं पाते हैं, तो आइए कुछ ऐसे टिप्स आपको बताता हूँ जिससे आपको पढ़ाई करते समय नींद नहीं आएगी और आप लंबे समय तक पढ़ाई करेंगे। पहला, कम रोशनी में कभी ना पढ़ें। बहुत से विद्यार्थी सिर्फ एक स्टडी लैंप जलाकर ही पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से कमरे के बाकी हिस्से में तकरीबन अंधेरा रहता है। अब आप ही बताओ कि मध्यम सी रोशनी, उस पे शांतिप्रद व आरामदायक परिवेश, ऐसे वातावरण में नींद आना तो अति स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए अपने स्टडी रूम को अच्छे से प्रकाशित रखें। दूसरा, बेड पर लेटकर पढ़ने से बचें। पढ़ाई करते समय आपका आसन और बैठने का तरीका भी बहुत महत्व रखता है। बेड पर लेटकर कभी ना पढ़ें, इससे आपको आलस आ सकता है जो कि नींद को आमंत्रित करता है। इसलिए पढ़ाई करते समय हमेशा कुर्सी पर सही ढंग से पीठ सीधी करके ही बैठें। सामने एक टेबल रखें और किताब गोद में रखकर पढ़ने की बजाय सामने टेबल पर रखकर पढ़ें। कुर्सी पर बैठे समय भी अपने हाथ या पांव कुछ कुछ समय बाद हिलाते रहें, इससे आपके अंदर सक्रियता बनी रहेगी। तीसरा, अत्यधिक खाने से हो सकता है नुकसान। आप अक्सर महसूस करते होंगे कि भरपेट भोजन करने के बाद शरीर में भारीपन, सुस्ती या आपको नींद आने लगती है, जो कि शरीर में शुरू होने वाली पाचन प्रक्रिया की वजह से होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप कम खाएं और 3 बार खाने की बजाय दिन में 5 बार खाएं। कभी भी भूखे पेट ना पढ़ें, इससे आपके दिमाग की याद करने की क्षमता कम हो जाती है। भोजन करने के तुरंत बाद पढ़ने के लिए ना बैठें। चौथा, भरपूर मात्रा में पानी पीने से होगा फायदा। पढ़ाई करते समय ज़्यादा पानी पीना ना तो सिर्फ आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि इससे आपको एक और फायदा मिलेगा। ज़्यादा पानी पीने से आपको कुछ कुछ देर बाद अपनी सीट से उतरकर मूत्र के लिए जाना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर की निष्क्रियता टूटेगी और आप सक्रिय बने रहेंगे। साथ ही ज़्यादा पानी पीने से दिमाग हाइड्रेटेड व तरोताज़ा रहता है और इसकी सक्रियता बनी रहती है, जिससे आसानी से पाठ याद करने में सहायता मिलती है। पांचवा, जल्दी सोने और जल्दी उठने का रूटीन अपनाएं। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्थ एंड वाइज, जिसका मतलब है कि जल्दी सोने और जल्दी उठने से शारीरिक तंदुरुस्ती, समृद्धि व दिमागी शक्ति में बढ़ावा होता है। विद्यार्थी जीवन में भी इस कथन का उतना ही महत्व है जितना एक आम आदमी के जीवन में। रात को जल्दी सोने से आप पर्याप्त नींद ले सकते हैं, जिससे आप सुबह बिल्कुल तरोताजा उठेंगे। फ्रेश माइंड से चीजें याद रखना बहुत ही आसान होता है और फिर पर्याप्त समय तक सोने के बाद पढ़ाई करते वक्त फिर से नींद आने का कोई मतलब नहीं बनता। छठा, दोपहर के बाद एक छोटी झपकी रखेगी आपको तरोताजा। इम्तिहान के दौरान सुबह में लगातार पढ़ने के बाद अगर आप बाद दोपहर भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तो शायद थके हुए दिमाग के साथ आपके लिए याद रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि दोपहर का खाना खाने के बाद घंटे भर के लिए सो जाएं। इससे आपकी सुस्ती व उनिंदापन दूर होगा और आपका दिमाग नए तरीके से चीज़ों को याद करने के लिए तरोताज़ा हो जाएगा। सातवां, रात के समय पढ़ने के लिए चुने अपना पसंदीदा विषय। रात के समय पढ़ने के लिए सिर्फ वही विषय चुने जो आपके फेवरेट हैं और जिन्हें आप आसानी से समझ वो याद कर सकते हैं। सरल विषय या टॉपिक्स को रात में याद करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपको बोरियत भी नहीं होगी और आप ज़्यादा देर तक बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे। आठवां, बोल बोल कर तथा लिख कर करें पढ़ाई। यह तरीका पढ़ाई करते वक्त होने वाली बोरियत तथा आने वाली नींद को दूर भगाने में काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध होता है। हर विषय को इस तरह से बोल बोल कर पढ़ें जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ाते हैं। इससे आपका दिमाग सतर्क बना रहता है और नींद आने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा खुद को एक्सप्लेन करके
पढ़ने से चीजों को याद करना भी बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही पाठ को सिर्फ मौखिक रूप से याद करने की बजाय मुश्किल उत्तरों या सवालों को लिखकर भी याद करें। इससे भी आपकी सतर्कता बनी रहेगी और चीजें याद करने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, ये 8 टिप्स आप रोज फॉलो करें और बिना नींद के पढ़ाई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करें कि आगे का टिप्स कैसा लाएं। धन्यवाद।